The communicative skills need a competence on part of an individual to understand and use the language. In Pakistan, English has been a compulsory component of curriculum from grade 6 onwards. And in Pakistan, the onwards important component. But in 2014, a decision was taken by the government to make English the medium of instruction from third grade onwards. At least for the of and एक ऐसा डिसीजन दो हजार चौदह में लिया गया तीसरी जमात से ही जो साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं उन्हें अंग्रेजी जुबान में पढ़ाया जाएगा बाई इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम एज demand मीडियम ऑफ अब इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स के ऊपर दो तरह की डिमांड आ गई नंबर एक टू कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नंबर टू अंडरस्टैंड दर्स सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स तो अब हुआ क्या एक तो उन्हें अंग्रेजी जुबान पर भी अबूर हासिल करना है और उसके माने क्या है और दूसरा जो सब्जेक्ट की टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उसको भी साथ साथ सीखना है द रैशन एल सजेस्टेड फॉर मेकिंग इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज दैट इट इज नॉट ईजी टू अपटेन व्हाइट कॉलर जॉब इन आईदर द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स विदाउट मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशंसी इन इंग्लिश और जो राशनल है जो फलसफा है इसके पीछे वो ये है कि वेन यू कम आउट इन द जॉब मार्केट तो फिर आपको जरूरत है कि आपको एक मिनिमम लेवल की जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं इंग्लिश की उन पर अबूर हासिल हो थ्री मेजर वीकनेसेस ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी आइए देखते हैं ये तीन मेजर वीकनेसेस क्या है नंबर एक

दी वैकैबलरी ऑफ द लैंग्वेज इज अबी सोसाइटीजा है वो एक बहुत बड़ा मसला है जुबान के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर भी इन पाकिस्तान मेजोरिटी ऑफ साइंस स्टूडेंट्स कम फ्राम रूरल बैकग्राउंड एंड देर वैकेबलरी इज ऑलरेडी लिमिटेड इन नेशनल लैंग्वेज विच एट एम्स बिकम्स देंग्वेज और हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान की दही आबादी से आते हैं उनको तो अपनी कौमी जबान यानी उर्दू में भी उनकी जो अल्फाज का जखीरा है वह बहुत कम है तो उस सूरत में अंग्रेजी का जो सवाल है वो काफी मुश्किल हो जाता है फॉर सच स्टूडेंट्स इंग्लिश इज अ थर्ड लैंग्वेज और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंग्रेजी जुबान है ये उनकी तीसरी जुबान है यानी एक तो मादरी जुबान हो गई जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है फिर कौमी जुबान हो गई जो कि उनकी सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर वो सीखते हैं और इंग्लिश जो है उनकी तीसरी जुबान यानी थर्ड लैंग्वेज बन जाती है द प्रॉब बाई अ फॉरन लैंग्वेज टू दीज सोशो इकोनॉमिकली लो क्लास स्टूडेंट्स आर मोर देन ऑब्वियस और हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे के जो ये तबके हैं जो डिसएडवाटेज हैं और बैकवर्ड हैं वहां पर यह जुबान जो है एक बहुत बड़ा मसला और एक बहुत बड़ा बैरियर के तौर पर सामने आती है सेंस हैव ग्राई टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी रिगार्डिंग लैंग्वेज

इज़ दैट द फेल्ड टू स्टिक टू वन पॉलिसी रिगार्डिंग एजुकेशन और रिजल्ट यह होता है कि हम तालीम के बारे में किसी एक पॉलिसी के साथ जो है वो इकतफा करने में नाकामयाब रहते हैं